जय माँ दुर्गा। स्वागत है दोस्तों आप सभी को सुभ्रास किचन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं आम का अचार। बस आधा घंटा में ही बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मीडियम साइज का मैंगो लिया है, 12 से 14 मैंगो है ये। ये देखिए, इसको धो लेंगे और इस तरीके से ये देखिए जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको निकाल लेंगे और इस तरीके से काट लेंगे। फिर से इसको अच्छी तरीके से धो लेंगे सारे आम को। ये देखिए, यहाँ पर मैंने पानी में डाल के अच्छी तरीके से धो लिया और छन्नी में छान के सारे आम को रख लिया है। ये देखिए, साफ करके धोएंगे हम सारे आम को। तो आम के अचार बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे, ये देखिए, बड़ा चम्मच में 1 चम्मच सौंफ डालेंगे और 1.5 चम्मच हम डालेंगे पंचफोटन गुड़। ये देखिए, यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है, 200 से 250 ग्राम के आसपास गुड़ है ये, पानी वाला गुड़ हम डालेंगे इसमें। अगर आप चाहे तो वो जो आता है बाजार में वो भी डाल सकते हैं इसमें, और कड़ी पत्ता लेंगे। तो सबसे पहले पैन को हम गरम कर लेंगे और उसमें डालेंगे पंचफुटन और सौंफ। थोड़ा सा पंचफुटन मैंने रखा है बाद में यूज करने के लिए। अब इसको 1 से 1.5 मिनट तक पंचफुटन और सौंफ को हम भुनेंगे। ये देखिए, 1 मिनट के बाद एक अच्छा सा खुशबू सौंफ और पंचफुटन का आने लगेगा, बहुत ही अच्छा सा। तो ये देखिए आने लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक प्लेट में निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब हम उसी पैन में लेंगे 1 चम्मच तेल, और जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें हम आम को इस तरीके से डाल लेंगे सारे आम को। ये देखिए, अब अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ऊपर से डालेंगे हम बस थोड़ा सा 1/2 चम्मच के पास नमक डालेंगे हम। अब फिर से नमक को हम आम के साथ अच्छी तरीके से मिला लेंगे। बस हमें 2 से 2.5 मिनट तक ही आम को इस तरीके से भूनना है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आम भून के रेडी हो जाएगा। ये देखिए, हल्का सा बस इसका कलर जब चेंज हो जाए तो अब हम क्या करेंगे, आम को निकाल लेंगे और उसी पैन में फिर से लेंगे 1 से 2 चम्मच तेल, और जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें हम डालेंगे पंचफुटन का तड़का, कड़ी पत्ता। ये देखिए, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ही हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा तीखा लाल मिर्च का पाउडर। अब हम सारे मसालों को, कड़ी पत्ता को, ये देखिए इसी तरीके से मिला लेंगे। इसमें अब हम डालेंगे गुड़। ये देखिए, यहाँ पर मैंने गुड़ को डाल दिया है। अब अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसका खुशबू जो है बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों। अब हम जिस बर्तन में गुड़ रखे थे उसी बर्तन में मैं थोड़ा सा पानी डाल के यहाँ पर डाल रही हूँ। देखिए, अब इसको हम करीबन 5 से 6 मिनट तक इस तरीके से पकाएंगे। उबाल आएगा 5 से 6 मिनट तक, थोड़ा सा नमक डालेंगे और पकाएंगे। तो ये देखिए, हमने जो भून के रखा था पंचफुटन और सौंफ, उसको अब हम मिक्सी के जार में डाल के उसका पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, बारीकी से इसका हम पाउडर बना लेंगे। तो हमारा पाउडर भी रेडी है। ये देखिए कितना अच्छा उबाल आ रहा है हमारा आम के अचार के। ये देखिए, अब हम इसमें भुना हुआ आम को डाल देंगे। ये देखिए, सारे आम को अब हम इसमें डाल देंगे अच्छी तरीके से। गुड़ के साथ अब हम सारे आम को मिला लेंगे। ऊपर से डालेंगे हम जो हम पीस के रखे थे भुना हुआ सौंफ और पंचफुटन का पाउडर, इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिला लेंगे इसको। ये देखिए, इसको अब हम 5 से 7 मिनट तक इस तरीके से गैस का फ्लेम को लो रखेंगे और छोड़ देंगे पकने के लिए। ये देखिए, इस तरीके से 5 से 7 मिनट हम इसको उबाल आएगा इसी तरीके से। ये देखिए, तो धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, ये जो गुड़ है
ये ठीक होता जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, बन के रेडी है हमारा आम का अचार। ये देखिए, इस अचार को दोस्तों अगर आप चाहे तो फ्रिज में स्टोर करके 1 से 2 महीना तक खा सकते हैं। अगर बीच बीच में धूप में रखेंगे तो आप इसको साल भर तक खा सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पूरी तरीके से बन के रेडी है हमारा आम का अचार, बस आधा घंटा में ही बन के रेडी है। तो चलिए टेस्ट करते हैं, सबको खिलाते हैं। ये देखिए, बीच बीच में धूप में रखने से आप इसको साल भर तक खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।